Good evening. It'll be our pleasure to feed you. Tonight will be magical. सो क्या हाल है दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा 2022 में आई अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द मेन्यू। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और कई सारे अवार्ड्स भी इस मूवी ने अपने नाम करे हैं। इस मूवी में एक अलग ही तरह का हॉरर कॉन्सेप्ट दिखाया गया है जो आज से पहले मैंने तो कभी नहीं देखा। मूवी के आधे पार्ट में तो आपको सब नॉर्मल ही लगेगा, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी तो यकीन मानिए क्लाइमैक्स बढ़ता ही जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है टाइलर और मार्गो को दिखाते हुए, जहां दोनों ही तैयार होकर बोट का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि टाइलर ने एक आइलैंड के काफी मशहूर रेस्टोरेंट में सीट्स बुक कराई थी जिसका नाम था हॉथोन और जिसकी कीमत $1,250 पर पर्सन थी, इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 1,00,000 रुपए से भी ज्यादा। यहां शहर के मशहूर लोग, बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज आया करते थे और यहां एक बार में बहुत ही कम लोग जा सकते थे। तभी वहां बोट आती है और सभी उसमें बैठकर आइलैंड की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पर पहुंचते ही एल्सा नाम की लेडी उन सभी का वेलकम करती है और तभी पता लगता है कि मार्गो का नाम तो गेस्ट लिस्ट में है ही नहीं। असल में हुआ ये था कि टाइलर के साथ पहले उसकी गर्लफ्रेंड आनी थी, लेकिन एंड मौके पर उसका ब्रेकअप हो जाता है और वो किसी तरह मार्गो को ले आता है क्योंकि इस होटल में अकेले एंट्री नहीं हो सकती थी। सबको ग्रीट करने के बाद एल्सा उन सभी को हॉथोन का एक टूर देती है, जहां शेफ और उनके साथ ही मिलकर इसी आइलैंड पर सब्जियां उगाते और एनिमल्स को भी वो यहीं पे स्लॉटर किया करते थे और इसी तरह सारे काम यहां बड़ी परफेक्शन से किए जाते थे। और फिर एल्सा उन्हें अपना और अपने साथियों का रूम दिखाती है जहां वो सोने आते हैं और बाकी के टाइम सुबह से शाम तक शेफ के साथ काम में लगे रहते हैं। थोड़ी आगे चलते ही टाइलर को शेफ का कॉटेज दिखता है। उसे देख टाइलर एल्सा से वहां जाने के लिए पूछता है, जिसपे एल्सा उससे कहती है कि यहां हम लोगों को भी जाना अलाउड नहीं है। आइलैंड पर घूम लेने के बाद सभी लोग डाइनिंग एरिया में पहुंचते हैं जहां उनके लिए फूड की प्रिपरेशन शुरू कर दी जाती है। टाइलर जो यहां एक फूड एंथुसियास्टिक पर्सन है और सोशल मीडिया पे काफी चीजें फूड से रिलेटेड शेयर करता रहता है और साथ ही साथ यहां के हेड शेफ स्लोविक का बहुत बड़ा फैन भी है जो कि पूरी दुनिया में अपने टैलेंट के लिए फेमस था। टाइलर मार्गो को फूड को लेके अपना इंटरेस्ट बताने लगता है। वही मार्गो उससे कहती है कि जितना तुम फूड में इन्वॉल्व हो सकते हो मैं नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए बस वो एक खाना है। वैसे देखा जाए तो मार्गो को छोड़कर बाकी आए सभी लोगों के लिए ये एक एग्जीबिशन टाइप थिंग थी। तभी एल्सा स्लोविक के पास जाके उसे कुछ बताती है, जिससे वो टाइलर और मार्गो को बड़े गौर से देखने लगता है। कुछ देर बाद स्लोविक आता है और सबको ग्रीट करते हुए मेन्यू की फर्स्ट डिश के बारे में बताते हुए उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में ब्रीफ करता है और सभी गेस्ट को मेन्यू के अकॉर्डिंग पहली डिश सर्व की जाती है जो कि बस एक पत्थर के आसपास फूलों को सजा दिया जाता है। टाइलर और बाकी सभी लोगों को ये फूड आर्ट काफी पसंद आता है और शेफ यहां सभी लोगों को बोलता है कि वो सिर्फ इसे खाए नहीं बल्कि टेस्ट करे, फील करे और रेस्पेक्ट करे। इसी बीच टाइलर मार्गो को डिश के बारे में बताने लगता है तो शेफ टाइलर को चुप करा देता है और डिश के ऊपर एक लंबी चौड़ी इमोशनल स्पीच देके निकल जाता है। स्पीच सुनके टाइलर रो पड़ता है और मार्गो से कहता है कहीं शेफ मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। उस पे मार्गो कहती है कि तुम सिर्फ एक कस्टमर हो, इतना सेटी होने की जरूरत नहीं है। वहीं पर ही एक काफी बड़ी फेमस पर्सनैलिटी और फूड क्रिटिक जिसका नाम लिलियन ब्लूम है आई हुई थी, जो अपने हस्बैंड से फूड की तारीफों के पुल बांध रही थी कि क्या आर्ट है, क्या प्रेजेंटेशन है, और बाकी सब भी यही कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शेफ स्लोविक मार्गो को ही देखे जा रहा होता है। अब ऐसा क्यों है ये तो आगे देखने पे ही पता लगेगा। तो वही टाइम होता है अब मेन्यू के सेकंड कोर्स का, जहां शेफ सभी को ब्रेड की हिस्ट्री बताने लगता है कि ब्रेड कब इजाद हुआ बाकी सब, और कहता है कि ब्रेड पुअर और कॉमन लोग खाते हैं, लेकिन यहां बैठा कोई भी इंसान कॉमन नहीं है, इसलिए आज किसी को ब्रेड नहीं दिया जाएगा, और इतना कहकर सेकंड कोर्स सर्व कर दिया जाता है। वही टाइलर हंसते हुए इसे भी शेफ का एक आर्ट समझता है और ब्लूम भी इसकी काफी बारीकी से तारीफ करने लगती है। वही कुछ बिजनेस पार्टनर्स एल्सा को बुलाकर कहते हैं कि उन्हें ब्रेड चाहिए, वो बिना ब्रेड के इसे नहीं खा सकते क्योंकि ये ब्रेड के साथ ही खाई जाती है। वही एल्सा उन सबको मना कर देती है और कहती है कि मेन्यू में ब्रेड नहीं है तो वो उन्हें ब्रेड नहीं दे सकती। तभी वो सब एल्सा से कहते हैं तुम नहीं जानते हम कौन है और हम किसके लिए काम करते हैं। तभी एल्सा कहती है कि मैं आपको और आपके बॉस मिस्टर वर्रिक को अच्छे से जानती हूँ। तभी एल्सा उनमें से एक के कान में कहती है कि आज तुम्हें डिजायर से कम और डिजर्व से ज्यादा खाने को मिलेगा। यही अब चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी और आगे और बिगड़ने ही वाली है। वही मार्गो को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उस फूड को हाथ भी नहीं लगती और शेफ आकर उससे कहता है कि उसे ये खानी चाहिए। मार्गो कहती है यहाँ खाने जैसा कुछ है ही नहीं और वो उसे ना बताए कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। मार्गो की इस बात पर टाइलर मार्गो पर नाराज होता है कि उसको शेफ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वही शेफ मेन्यू के तीसरे कोर्स की तैयारी में लग जाता है। अब मेन्यू का अगला कोर्स सर्व होता है जो कि टाको है। शेफ ने इसका नाम मेमोरी रखा है और इसका डिस्क्रिप्शन देते हुए कहता है कि
कि बचपन में ट्यूसडे के दिन वो हमेशा टाको खाया करता और उसके फादर जो एक अल्कोहलिक थे उसकी माँ को रोज मारा करते थे और एक दिन गुस्से में उसने अपने फादर को मार डाला। इसी वजह से इस डिश का नाम उसने मेमोरी रखा है। अब सबको वहाँ टॉटिया सर्व होता है जिसपे शेफ ने लेजर से प्रिंट करवा रखा था, जो वहाँ आए गेस्ट की पास्ट वर्स्ट मेमोरीज को दिखा रहे थे, जैसे कि वहाँ आए मूवी एक्टर की पास्ट फ्लॉप मूवी को प्रिंट करवा रखा था। टाइलर जो हर वक्त फूड की फोटो लेता रहता, वहाँ पर उसकी ही पेंटिंग, उन बिजनेस पार्टनर्स की फेक इनवॉइस की पेंटिंग जिससे होने काफी पैसे कमाए थे, वही एक आदमी जिसकी एक लड़की के साथ बैठे हुए की पेंटिंग जिसपे उसकी वाइफ उससे पूछती है कि ये कौन है, और वो ये कह के बात घुमा देता है कि ये कोई प्रैंक हो रहा है। और ये सब देखकर वो सब परेशान हो जाते हैं कि शेफ उनके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। वही आपने गौर करा होगा कि यहाँ मार्गो के लिए कोई टोटिया नहीं आई और उसकी कोई पेंटिंग वहाँ नहीं थी, जिसका रीजन हम थोड़ी देर में जान जाएंगे। वही टाइलर अपनी पेंटिंग देख के कहता है कि मुझे फोटो लेने से मना किया गया था, शायद शेफ मुझसे नाराज है, मुझे जाके माफी मांग लेनी चाहिए। उस बात पर मार्गो उसको चिल रहने को कहती है और इस बात पर उनकी कहा सुनी हो जाती है, जिससे कि मार्गो वहाँ से उठ के चली जाती है। वही मार्गो कॉरिडोर में पहुँच कर एक सिल्वर गेट देखती है जिसपे एल्सा उससे कहती है कि वो अभी कहीं नहीं जा सकती। उसके बाद वो टॉयलेट में चली जाती है और स्मोक करने लगती है। पीछे से शेफ स्लोविक लेडीज वॉशरूम में आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि उसने उसकी बनाई हुई कोई भी डिश क्यों नहीं खाई। मार्गो उसका जवाब देते हुए कहती है कि उसे अभी भूख नहीं है। तभी शेफ उससे उसका नाम पूछता है। मार्गो के बताने पर शेफ उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा नाम मार्गो है ही नहीं। तभी मार्गो थोड़ी सी घबराई हुई वहाँ से निकल जाती है और अपनी सीट पर वापस आकर बैठ जाती है, यानी कि यहाँ ये तो पक्का था कि ऐसे कई राज है जो खुलने बाकी है। वही अब बारी होती है फोर्थ कोर्स की, जिसपे शेफ अपने एक जूनियर शेफ जेरेमी को बुलाता है और उसी ने ही ये फोर्थ कोर्स को रेडी किया था। शेफ वहाँ आए सभी लोगों को जेरेमी के बारे में बताने लगता है कि वो अपने काम में गुड है लेकिन वो कभी बेस्ट नहीं हो सकता। शेफ सभी लोगों से कहता है कि हमें अपने कस्टमर्स के लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाना पड़ता है, उन्हें प्लीज करना पड़ता है, जिससे कि हमारी बॉडी और सोल मैसेड अप हो जाती है, और इसलिए अगली डिश का नाम द मेस है। और जब ही जेरेमी एक गन निकाल के खुद को शूट कर लेता है, ये सब देख के वहाँ बैठे सभी लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लेकिन टाइलर उसे अभी भी ये लगता है कि ये शेफ की प्रेजेंटेशन का एक पार्ट है। हालांकि बाकी कई और लोगों को भी यही लगता है कि ये कोई प्रैंक हो रहा है, लेकिन कुछ लोग इसे बिल्कुल सच मानते हैं क्योंकि वहाँ जेरेमी की बॉडी पड़ी हुई थी। ये सब देख के एक कपल वहाँ से डर के मारे जाने लगता है, जिसपे एल्सा उन्हें रोकती है और कहती है कि आप कहीं नहीं जा सकते, लेकिन वो नहीं मानते। जिसपे शेफ के एक इशारे पे उसके गार्ड्स उस आदमी की हाथ की उंगली काट देते हैं, जिससे माहौल पूरी तरह से हॉन्टेड हो जाता है। और अब सभी समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और ये कोई प्रैंक नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी उंगली काटी वो तो एक कस्टमर था, लेकिन ब्लूम उसका पति और टाइलर अब भी इसे एक आर्ट ही समझते हैं। सीन शिफ्ट होता है और शेफ मार्गो को अपने पास बुलाता है और वो उससे उसका नाम पूछता है। मार्गो के बताने पे शेफ कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, और वो उसको एक चॉइस देता है कि वो कस्टमर साइड में रहेगी या स्टाफ साइड, क्योंकि आज सब मरने वाले सब मतलब सब, और उसको सोचने का कुछ टाइम दे देता है, जिससे मार्गो पूरी तरह से डर जाती है। वही अब सभी लोग भी शेफ से पूरी तरह से डर रहे होते हैं और शेफ ब्लूम और उसके हस्बैंड के पास जाता है और उनको किसी पास्ट में हुई बातों को लेकर कसूरवार बताता है। फिर शेफ उसी कपल के पास जाता है जिसकी उसने उंगली कटवाई थी और कहता है कि तुम 11 बार यहाँ आए हो, तो चलो किसी भी एक डिश का नाम बता दो जो तुमने खाई है। लेकिन वो एक भी डिश का नाम नहीं बता पाते और अब वो मिस्टर वर्रिक के आदमियों के पास जाता है, जहाँ वो उनसे कहता है कि दुगो वर्रिक ने उसके काम के बीच में टांग क्यों घुसाई। और अब वो सबको बाहर का नजारा दिखाता है जहाँ उसने वर्रिक को बांध कर लटकाया होता है, और इशारा करते ही उसके लोग उसे सी में डुबो देते हैं, और देखते ही देखते मंजर यहाँ बहुत डरावना हो जाता है। अब शेफ अपने रूम में चला जाता है और मार्गो को बुलाता है, क्योंकि उसे दिया हुआ वक्त अब खत्म हो चुका था। अब शेफ मार्गो से पूछता है कि वो उस आदमी को बार बार क्यों देख रही थी जिसकी उंगली काटी गई है, जिसपे मार्गो एग्री होती है और वो उसे बताती है कि वो एक कॉल गर्ल है और उसने पहले कभी उस आदमी को सर्विस दी थी। जिसपे शेफ खुद को और मार्गो को सेम लेवल पे देखने लगता है, क्योंकि देखा जाए तो वो दोनों ही सर्विस प्रोवाइडर है। मार्गो शेफ को बताती है कि वो आदमी इतना अजीब है कि वो उसे उसकी बेटी की तरह एक्ट करने को कहता था। सीन शिफ्ट होता है और शेफ सभी को बाहर ले आता अगले कोर्स के लिए। तभी जूनियर लेडी शेफ आकर शेफ स्लोविक के बारे में बताने लगती है कि स्लोविक ने उसके साथ पहले इंतमत होने की कोशिश करी थी और उसने मना कर दिया और वो रोने लगी, और उस दिन के बाद से शेफ ने उसे कभी परेशान नहीं किया, कभी उसको नजर उठा के नहीं देखा। और इतना कह के वो शेफ को हक करने लगती है और अपनी जेब से एक कैची निकालती है और शेफ के प्राइवेट पार्ट पर मार देती है। इन सब के बाद मूवी बहुत ही ज्यादा अजीब होती जा रही थी। और अब उसकी जूनियर अगली डिश का नाम बताती है,
जो कि है मैन एस फॉली यानी कि मर्द की ना समझी। शेफ उन सबको बताता है कि सभी मर्दों को 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा भागने के लिए और उनको पकड़ने के लिए मेरे गार्ड्स होंगे। अगर वो बच गए तो उन्हें जाने दिया जाएगा, वरना सब मरने के लिए तैयार हो जाना। ये सुनकर सभी मर्द अपनी वाइफ लवर्स को छोड़कर भाग जाते हैं और लेडी शेफ उन सभी लेडीज को अंदर डाइनिंग हॉल में ले जाती है और साथ ही साथ मार्गो भी अपना रियल नाम बताती है। जी हाँ, उसका रियल नाम एरिन होता है। वही सभी गार्ड्स ने अब तक सभी मेल्स को पकड़ लिया था और वापस उसी हॉल में ले आते हैं। अब शेफ टाइलर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ क्यों आया है, जिस पे टाइलर उसकी तारीफ करता है एंड ऑल। उसके बाद शेफ टाइलर को किचन में ले जाता है क्योंकि वो काफी देर से फूड आर्ट कर रहा था और उससे कहता है कि तुम्हें जो पसंद हो वो बना कर दिखाओ, जिस पर टाइलर घबरा जाता है और कुछ भी ऐसे ही बना कर ले आता है जो कि बहुत ही बकवास होता है और शेफ उसके खाने की बेइज्जती करता है जिससे कि वो रोते हुए खुद को हैंग कर लेता है। वही शेफ मार्गो से कहता है कि उसे डिजर्ट बनाना है और बैरल चाहिए। मार्गो बैरल लेने के लिए निकल जाती और एल्सा चुपके से उसका पीछा करने लगती है, लेकिन मार्गो बैरल को छोड़ शेफ के घर में घुस जाती है और एल्सा पीछे से उस पे हमला कर देती है पर खुद ही मारी जाती है। और वहाँ से मार्गो एक सिल्वर दरवाजे के अंदर जाती है जो शेफ के पर्सनल रूम में जाता है, जहाँ वो देखती है शेफ के शुरुआती दिनों की फोटोज और ब्लूम का वो इंटरव्यू जिससे शेफ इतना फेमस हुआ था। और वही एक रेडियो होता है जिससे वो पुलिस को हेल्प के लिए कांटेक्ट करने की सोचती है। वही शेफ रेस्टोरेंट में आए एक्टर से कहता है कि तुमने एक बहुत ही बुरी मूवी बनाई थी जिससे उसका संडे खराब गया था, उसकी वजह से उसे मरना पड़ेगा। और अब मार्गो भी वापस आ चुकी थी और उसने जिस पुलिस ऑफिसर को कांटेक्ट किया था वो भी बोट से यहां आ गया था, जिसे देख उन सब लोगों को बड़ी खुशी होती है और सब सोचते हैं कि वो बच जाएंगे। लेकिन असल में होता यह है कि वो पुलिस वाला नहीं बल्कि शेफ स्लोविक का स्टाफ का ही होता है। तो अगले कोर्स की तैयारी शुरू होती है और वहाँ बैठे सभी लोगों को अब समझ आ जाता है कि वो सब मरने वाले हैं। उतने में ही मार्गो अपना दिमाग चलाती है और शेफ से कहती है कि वो अभी भूखी है और उसे ये सब आर्ट वगैरह नहीं खाना, उसे सिंपल चीज बर्गर खाना है और कुछ नहीं। जिसपे शेफ जाता है और अपने हाथों से चीज बर्गर उसके लिए बना कर लाता है। मार्गो बर्गर खाती है और उसकी बहुत तारीफ करती है और बचे हुए बर्गर को पैक करने को बोलती है और वहाँ से चली जाती है। जी हाँ, शेफ उसे वहाँ से जाने देता है। अब शेफ मेन्यू का लास्ट कोर्स बताता है जो कि होता है एस मोर, जो कि अमेरिका में कैंप फायर के वक्त ट्रीट करी जाती है। वही सबको मार्शमेलो की केप और चॉकलेट की कैप पहनाई जाती है। सभी जगह पे लकदिया और एक्सप्लोसिव भी डाले जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सब कैंप फायर में इस्तेमाल होता है। फाइनली अब शेफ आता है और वहाँ आग लगा देता है जिससे कि वहाँ बैठे सभी लोग मारे जाते हैं, पूरा होटल, पूरा स्टाफ सब। वही हम मार्गो को देखते हैं जो होटल से दूर बोट से ये सब देख रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो इस मूवी का मतलब था क्या? तो इसका साफ मतलब ये था, आजकल इंसान अपनी आसपास की चीजों से बहुत ज्यादा खेलते हैं, जैसे कि खाना। देखा जाए तो इंसान खाने को बिना किसी शोबाजी के भी खा सकता है, लेकिन उस पर इतने एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उन्हें आर्ट के नाम पे कुछ भी बना दिया जाता है जिससे कि खाने की बहुत वेस्टेज भी होती है। स्लोविक बचपन से फूड और कुकिंग को बहुत प्यार किया करता और ब्लूम ने उसका इंटरव्यू करके उसको इतना फेमस कर दिया था कि ना चाह के भी उसे ये फूड एक्सप्लोइटेशन करना ही पड़ा। अब सवाल यहाँ ये है कि शेफ ने मार्गो को क्यों जाने दिया? तो शेफ जो था वो बचपन से फूड और कुकिंग को बहुत प्यार किया करता और उसकी सबसे पहली चीज थी जो उसने बनाई थी वो चीज बर्गर ही थी जो मार्गो ने उसके रूम में देख लिया था। और मार्गो के चीज बर्गर मांगने पर उसके पुराने दिन उसके सामने आ गए थे, जिसकी वजह से उसने मार्गो को वहाँ से जाने दिया। और बात करें उन सभी अमीर लोगों की तो उन्हें तो डिश का नाम तक नहीं पता था और तो और वो खाने को वेस्ट भी किया करते। वही मार्गो ने बर्गर पैक करने को कहा, शेफ ने खुद को भी इसलिए मार डाला क्योंकि वो वहाँ रह कर उन जैसा बन चुका था और वहाँ आए उन सभी लोगों को इसलिए मरवा दिया क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियाँ करी थी जिसके कारण शेफ की जिंदगी पे असर पड़ा था।